अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। भाई आज हम लोग फैमिली के साथ मंदी हाउस आए हुए हैं, ठीक है भाई। फैमिली ने मुझे बोला कि यार कहीं ऐसी जगह चलते हैं जो हमारे घर के सामने भी हो और खाना भी ज़बरदस्त हो। तो हमने सोचा कि यार हम मंदी हाउस चलते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है और सुनने में आया है कि हाईवे भी बहुत ऑसम किस्म का इन्होंने बनाया है। आपको इस वीडियो में पूरी लोकेशन समझाएंगे, सिटिंग एरिया समझाएंगे, खाने की प्राइसेस क्या है, टेस्ट क्या है, सब चीज़ रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और अगर नए वीडियो में तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम लोग हाईवे ब्रांच के मंदी हाउस आए हुए हैं। ये हाईवे पे जमाली पुल के फौरन बाद लोकेटेड है। एम्बियंस तो बहुत ही खूबसूरत है, नीचे बैठने की जगह भी है, आउटडोर भी है, इनडोर भी है। तो हमने कहा कि यार इनडोर यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के खाएंगे हम लोग। मेन्यू आता है तो मेन्यू चेक करते हैं। सेम ओल्ड पुराना स्टाइल का मेन्यू बना हुआ है। 13% टैक्स है। एक चीज़ जो हाईलाइट करने की, ये जो मंदी हाउस कॉम्प्लीमेंट्री जो आपको यखनी देता था वो ये हाईवे ब्रांच पे आपको नहीं मिलेगी। मेन्यू में स्टार्टर्स में इनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चिकन मंदी है, मटन मंदी है, ग्रिल में इनकी काफ्ता है, चिकन और मटन शेफ स्पेशल ग्रिल है इनके पास, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर मिक्स प्लेटर्स हैं, काफ़ी फैमिली प्लेटर है, शेफ स्पेशल प्लेटर है, कढ़ाई है, हांडी है और फास्ट फूड का ऑप्शन है। हमने भाई सबसे पहले जो है फतूश मंगवाया है और दूसरा हमने चिकन विंग्स मंगवाए हैं। फिर हमने ये शेफ प्लेटर हाफ मंगवाया है और हमने मटन मंदी मंगवाई है। फतूश से स्टार्ट किया हमने। ये बेसिकली एक फ्रेश सैलेड की तरह ही चीज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ऐड हुए हुए होते हैं और ये फ्रेश होती है चीज़, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगा। तो मैंने इसको निकाल लिया और मैंने बोला कि यार इसका इफ्तिताह करता हूँ मैं। और ये अच्छे बड़े से बाउल में आता है अरबी स्टाइल में, ये ऐसे ही सर्व होता है और इसके अंदर बिस्किट्स भी होते हैं और मेरे ख्याल से ऑलिव ऑयल भी ऐड किया हुआ होता है। तो मैंने इसको निकाला और मैंने बोला कि यार सबसे पहले मैं इसको ट्राई करूँगा और इसका टेस्ट चेक करूँगा। तो सारे वेजिटेबल्स फ्रेश हैं यहाँ पर, सबसे बेस्ट बात तो ये है। तो एक स्पून लेते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। मज़ेदार टेक्सचर आ रहा है, ये तो प्लस पॉइंट है, और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। सेकंड पे आ गया हमारे पास चिकन विंग। जो विंग तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी मुझे, मैंने आसरा नहीं किया, मंड दिया। मटन मंदी भी हमारे साथ थी। ये आपको मैं लुक दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हमने खाना स्टार्ट किया तो किसी ने आसरा नहीं किया। और ये जो पूरा आपको ग्रिल नज़र आ रहा है, इसके साथ चटनियाँ भी दो अवेलेबल हैं। फिर हमने ये शेफ्स ग्रिल खाना स्टार्ट किया जिसका लुक बहुत ही मज़ेदार था। प्राइस इसकी 7000 थी जिसमें मटन, बीफ और चिकन तीनों की वेरिएशन थी। हुंजाई मटन कबाब थे, इनके साथ क्रीमी मशवी था, चिकन मशवी था, बीफ मशवी था, तंदूरी चिकन भी था और अगवानी टिक्का भी था। काफ़ी सारी वेरिएशन थी इसके अंदर। मैंने चावल निकाले और ये जो मुझे बोटी का पीस नज़र आया इसके साथ मैंने चटनी ऐड कर दी। मैंने बोला चलो यार कुछ वेरिएशन स्टार्ट करते। टेस्ट मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा इन सब बोटियों का, स्पेशली क्योंकि जब मंदी का फ्लेवर आता है तो वो नमक और काले मिर्च वाला होता है, लेकिन ये थोड़ी स्पाइसी बोटियाँ थी तो थोड़ा सा इसमें मसाला फील करने का अपॉर्चुनिटी मिली। क्योंकि जब आगे हम मंदी ट्राई करेंगे तो उसका माहौल भी कुछ डिफरेंट सा लग रहा होगा। बोटियाँ भी मज़ेदार थी, दोनों कबाब भी बहुत, टेक्सचर इनका बहुत ही ज़बरदस्त था और दोनों एक ही तरीके से बने हुए थे लेकिन उनके टेस्ट काफ़ी मुख्तलिफ थे। अच्छा, यहाँ पर चावल होते हैं क्योंकि आपको पता है ये अरबिक डिशेस जो होती है या तो आपको ब्रेड के साथ नान होती है या चावल होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने चावल के साथ ही सारी वेरिएशन रखी हुई है। और ये जो शेफ्स प्लेटर था जो हमने हाफ मंगवाया था, इसके अंदर भी चावल था बड़े से प्लेटर के अंदर और ये सब सारी बोटियाँ इनके ऊपर ऐसे रखी हुई थी। चिकन की जो वेरिएशन मैंने ट्राई की वो मुझे थोड़ी सी मसाले के एस्पेक्ट में अच्छी लगी, लेकिन मैंने ये कंसिडर किया कि इसके अंदर अगर हम चटनियों की वेरिएशन ऐड करेंगे ना तभी मज़ेदार बनेगी। इसीलिए मैंने आगे अपने निवालों में चटनी और इनका जो टमाटर वाली चटनी था और रायता था वो भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्लेवर्स बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। नीचे बैठ के खा रहे थे तो सब एक साथ फैमिली का एक जॉइंट वेंचर टाइप सेटिंग बन गई थी और मज़ेदार खाने इंजॉय कर रहे थे। अब ये टमाटर वाली चटनी इन्होंने हमें तीन दी थी और रायते भी इन्होंने हमें तीन दिए थे और एक सेपरेट जो है वो इन्होंने हमें चटनी दी थी जो हम लोगों ने इसके साथ खाई थी। अब आ जाती है बारी भाई मटन मंदी की। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई फैमिली हड़ाउड़ी मचा देगी
तो मैंने इनको कहा था एक पीस रख देना भैया, ताकि मैं वीडियो में दिखा सकूं, क्योंकि भाई आए हैं तो वीडियो बनाना तो ज़रूरी है। रायता ऐड किया मैंने, इनकी टमाटर की चटनी ऐड की और वो जो स्पाइसी वाली चटनी थी वो भी ऐड करके मैंने एक प्रॉपर पैकेज बना दिया। मैंने बोला यार ये इंस्टाग्राम रील स्टाइल जो है आपको मटन दिखाएंगे कैसा जूसी है, मतलब आप हड्डी ने उठाओगे और बीफ जो है मटन जो है वो गिरना शुरू कर जाएगा। ऐसे ही हुआ और ये जो है भैया प्रॉपर जूसी मेल्टेड मीट था इसका, अच्छी तरीके से गलना शुरू हो गया और मेरे हाथ ही में ये गिर गया। मैंने सोचा कि यार अब बारी आई ना रील बनाने की, हम भी रील बनाएंगे मटन मंदी का। फिर मैंने एक सोचा कि एक निवाला बना लिया जाए ताकि आपको दिखाया जाए कि इसका कैसा टेक्सचर। मैंने बोटी निकाली, थोड़े से चावल और थोड़ा सा रायता मैंने लगा के मैंने सोचा बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला निवाला मेरा काफ़ी जूसी था क्योंकि मीट काफ़ी टेंडर था, मज़ेदार था। चावल का टेक्सचर आपको पता है बिल्कुल सादे चावल होते हैं, ये बिरयानी वाले चावल नहीं होते, ये हल्के चावल होते हैं और इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता और ये सिंपल स्पाइसेस में कुक हुए होते हैं। येलो टेक्सचर में होंगे या वाइट टेक्सचर में होंगे या कुछ जगहों पे ये ज़ीरे वाले चावल का भी टेक्सचर दे रहे होते हैं, लेकिन मटन मंदी मंगवाओगे तो आपको ये पीसेस मिलेंगे और जगहों पे बड़े पीसेस होते हैं। फिर हमने जब ये अपने शेफ्स ग्रिल पे प्लेटर पे नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि यार मैंने मटन तो खा लिया और बीफ चिकन खा लिया, लेकिन ये हमने अफगानी टिक्के टाइप जो चीज़ थी ना वो ट्राई नहीं की। तो मैंने बोला यार इसको भी ट्राई करके ये सारा एक्सपीरियंस एंड करते हैं। हमारे जो स्टार्टर्स थे वो 800-700 इस हिसाब से थे, ठीक है, फतूश और चिकन विंग्स जो थे उसके साथ। हमने ये जो शेफ्स प्लेटर था हमारा 7,000 रुपये का था और मटन मंदी हमें तकरीबन 5,000 की पड़ी। सीन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो मटन मंदी या चिकन मंदी का हिसाब होता है वो 1%, 2% और 4% होता है, तो इस हिसाब से मंगवाइएगा। ये थोड़ा सा हाई एंड रेस्टोरेंट है तो इस हिसाब से हमारा 15,000 से ऊपर बिल आया था क्योंकि 13% इनका टैक्स भी था। अगर आप मंदी पसंद नहीं करते और देसी खाना ट्राई करना चाहते हैं तो ये मैंने जाहिद न्यारी की वीडियो बनाई है, चेक कर सकते हैं।